अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहर फियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल माहर व्लॉग। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को और ख़ास तौर पर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उन तमाम दोस्तों को दिल की गहराई से जनाब ईद मुबारक। और जो लोग बैरून मुल्क हैं अल्लाह करे जनाब वो भी अगली ईद अपने प्यारों के साथ गुजारें, और मेरी दिल से यही दुआ है उन लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। इस खुशी के मौके पर सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें, उसके बाद हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये व्लॉग थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, इस व्लॉग में मैं ना आपको बताऊँगा वीज़े कब ओपन हो रहे हैं कब बंद हो रहे हैं, ये व्लॉग ईद का व्लॉग है। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा कि हम लोग ईद का दिन कहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपको पता है हम बाहर आए हैं तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो धूप में आपको पता है प्यास भी लगती है। जैसे ही हमें प्यास लगी तो हम पहुँचे जनाब इस दुकान पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से हमने लिया जनाब बनाना शेक, आपको पता है जो गर्मी का तोड़ होता है वो बनाने का जूस होता है और मैंगो का जूस होता है। मैंगो तो इस वक्त नहीं था तो हमने सोचा क्यों ना बनाने का जूस लें। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं और आगे जहाँ पर जाने वाले हम, बहुत ही खूबसूरत जगह है, इंशाल्लाह आप लोग खूब इंजॉय करोगे इस वीडियो को, क्योंकि ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ ईद का व्लॉग है। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ईद किस तरह लोग गुजारते हैं, आप लोग खूब इंजॉय करोगे। सोच रहे होंगे जनाब ये ईद के दिन कहाँ पर काम पर चला गया है, तो भाई मैं ईद के दिन काम पर नहीं हूँ, इस वक्त मैं यहाँ पर आया हूँ केएल टावर में, और यहाँ का आपको मैं व्यू भी दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है और यहाँ पर हम घूमने के लिए आए हैं। ये जनाब व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू जनाब केएल का आप देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत व्यू। हम यहाँ पर आए हैं जनाब ईद का दिन सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी के तौर पर ये पहनाए जाते हैं जनाब सेफ्टी हैनस। तो ये आप मेरे आगे भी देख रहे होंगे लोगों ने पहने हुए हैं, और लोग किस तरह यहाँ पर ईद का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब, बहुत ही खूबसूरत व्यू है जनाब ये आप देखें। यहाँ पर हम आए हैं जनाब ईद का दिन सेलिब्रेट करने के लिए, व्यू आप चेक करें कितना खूबसूरत आ रहा है, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं सब लोग यहाँ पर हैं, और बहुत ही खूबसूरत व्यू माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत व्यू है जनाब, मैंने सोचा क्यों ना आज केएल टावर के ऊपर पहुंचकर वीडियो बनाई जाए, और इस वक्त हम मौजूद हैं केएल टावर के ऊपर क्योंकि इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने यहाँ तक की टिकट ली है क्योंकि मेरे साथ जो मेरा दोस्त है उसको ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो ऊंचाई पर नहीं गया, तो हमने यहाँ तक की टिकट ली है। और ये आप देख सकते हैं ये सर्कल होता है 10 मिनट का, जो आपने पूरा करना होता है 10 मिनट दिए जाते हैं, जो 10 मिनट में आप यहाँ पर घूम सकते हैं एक चक्कर लगा सकते हैं। तो ये चक्कर हमारा जनाब फाइनल होने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर जो खूबसूरत नज़ारा है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो ये है जनाब दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत जिसे मडिका टावर भी कहा जाता है, और ये जनाब खूबसूरत केएल की ब्यूटी है जनाब जो आप देख रहे हैं। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ग्लास लगे हुए हैं, ये रात को ऐसे लगता है जैसे ये जनाब ग्लास जो है टूट गया हो, क्योंकि आपको पता है ये LED लगी हुई है इसके अंदर, आज इन्होंने साउंड वगैरह भी लगाए हुए हैं ये देखें लोगों को डराने के लिए, तो इसलिए कि जो भी लोग आए यहाँ पर डर जाएं। तो बहुत ज़्यादा लोग आते भी हैं डरते भी हैं। केएल टावर घूमने के बाद हम जनाब पहुँचे हैं इस रेस्टोरेंट पर, ये अरबियों का रेस्टोरेंट है और यहाँ की मशहूर बिरयानी बहुत है, और साथ में ये जनाब शवारमा मशहूर है, ऊँट के गोश्त का जनाब ये शवारमा मशहूर है। तो हमने जनाब यहाँ पर बिरयानी और शवारमे का ऑर्डर दिया, और अंदर का व्यू भी मैं आपको दोस्तों को दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत ये रेस्टोरेंट है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप इस रेस्टोरेंट पर ज़रूर आएँ। ये अंदर का व्यू है जनाब, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।